प्रतिस्पर्धेत सृक्कीभ्याम सभ्या सभ्य नगोदरे, और सर्प के दाएं और बाएं भाग को देखो, सभ्य असभ्य, सभ्य का अर्थ है बाएं और असभ्य का अर्थ दाएं, दाएं और बाएं के जो पर्वत के उदर हैं, नगोदरे, जो इस पर्वत के नग के दोनों उदर हैं, जबड़े दोनों, वे सर्प के जबड़े की तरह लग रहे हैं कि नहीं? देखो एकदम ऐसा लग रहा है, सर्प नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा पर ऐसी पर्वत की बनावट है कि दोनों इसके उदर मुख के भीतर के भाग सर्प के जबड़े के समान लग रहे हैं। तो तुंग श्रृंगालयोपेतास्तद्रष्टाभिश्च पश्यत, और इस पर्वत के जो ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, शिखर श्रेणियाँ, ये सर्प के दांत जैसे लग रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ ठीक, दांत जैसे लग रहे हैं। इस तरह वो कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आस्त्रितायाम मार्गो यम रसनाम प्रति गर्जति, और जो नीचे लाल लाल मार्ग है, जानते हो ये क्या है? ये लाल लाल जो रास्ता है, असल में बात यह है कि यहाँ पर गेरू मिट्टी पड़ रही है, तो मिट्टी कच्ची सड़क बनाई गई है गेरू मिट्टी की, लाल मिट्टी की, तो इसीलिए दिख रही है। ये सर्प के जीभ जैसी लग रही है कि नहीं सड़क? बच्चों ने कहा हाँ एकदम, ये तो बिल्कुल सर्प के जीभ जैसी लग रही है। वास्तव में वो जीभ है लेकिन जीभ में कोई स्पंदन नहीं है, हिलना डुलना नहीं है, तो उसको वे कच्ची सड़क के रूप में कह रहे हैं, लाल मिट्टी डाली हुई सड़क। रसना में प्रतिगर जाती, ये रसना जैसी दिखाई पड़ रही है शाम की, ये लाल लाल सड़क। और ऐसा मंत्र गतम ध्वंत चेतदप्यंतरानम, और देखो पर्वत शिखर के पीछे जो अंधकार है, अंधकार है, वह अजगर के मुख के भीतर रहने वाले अंधकार जैसा लग रहा है कि नहीं? हाँ एकदम लग रहा है। वो पर्वत के शिखर के भीतर का अंधकार नहीं है, वास्तव में दांतों के भीतर का अंधकार, लेकिन इस तरह से उत्प्रेक्षा कर रहे हैं। दावोष्ण खरवा तो यम स्वास्वद्भाति पश्यता, देखो भीतर दवाग्नि लगी हुई है और दवाग्नि लगने से गर्म गर्म हवा आ रही है, तो यह अजगर के श्वास जैसे लग रही है कि नहीं? हाँ बिल्कुल अजगर के सांस जैसे लग रही है। पर इनको विश्वास है कि ये है दवाग्नि की हवा, पर वास्तव में तो अजगर के मुख की हवा थी। तद्दग्ध सत्व दुर्गंधोप्यंतरामिष गंधवत, और भीतर से जो दुर्गंध आ रही है इस गुफा से, पर्वत से, वह ऐसे दुर्गंध लग रही है जैसे अजगर कोई पशु खाता है तो उसके पेट में पशु सड़ते हैं, पचते हैं, तो उनसे जैसे आमिष गंधवत, मांस से गंध आती है, वैसे गंध आ रही है। क्या है वृंदावन की शोभा है, और जब इस तरह से गंध आ रही है, गर्म हवा चल रही है, तो भीतर क्यों प्रवेश करना चाहते हो? ये कौन खेलने की रीति है? तो भागना चाहिए ना, भले दवाग्नि लगी है, सर्प नहीं है तब भी तो भागना चाहिए था, और दुर्गंधित हवा आ रही है तो उधर भीतर जाने की क्या जरूरत है? पर भगवान लीला रचना चाहते हैं, भगवान चाहते थे कि ऐसा हो, और उन्होंने ही प्रेरणा भी दिया था ये अघासुर को कि इस तरह करो, डायरेक्ट नहीं लेकिन सर्वांतर जामी भगवान है हृदय में, तो ये लीला संपादित करना चाहते हैं। और भगवान इस लीला द्वारा दिखाते हैं कि उनका अपने भक्तों से कितना प्रेम है, और कितना भी कोई पापी हो, कितना भी पापी हो, कृष्ण के साथ संबंधित होने से शुद्ध हो ही जाता है, यह भगवान की विशेषता है। इस बात को दिखाना चाहते थे, साक्षात अघ भी भगवान को प्राप्त हो गया, आगे वर्णन किया जाएगा। इस तरह की जिसकी दूषित प्रवृत्ति थी, इस तरह का हिंसक व्यक्ति, और वह भी भगवान कृष्ण के धाम में आ करके उनका संग पा करके मुक्त हो गया, सदा के लिए भगवान की लीला में हो गए, यह दिखा रहे हैं भगवान। तो बच्चे इस तरह से सोचते हैं, किसी किसी ने कहा
ये कह रहे हो कि पर्वत अजगर के मुख जैसा लग रहा है और कहीं सचमुच अजगर होगा तब यदि सचमुच अजगर होगा तब क्या होगा तब कहते अस्मान किमत्र ग्रसिता निविष्टान अयम तथा चेद वकवत विनंक्षति यदि सचमुच के अजगर होगा यानी है नहीं लेकिन हंस रहे थे अगर वास्तव में अजगर होगा और हम लोगों को ये निगलने की चेष्टा करेगा अस्मान ग्रसिता भविष्यति यदि हमको ग्रसने की चेष्टा करेगा अगर ऐसा किया ना तो जैसे बकासुर का चोंच फाड़ दिया गया ऐसे बकारी अभी हम लोगों के साथ है ये इसको भी फाड़ देगा अगर ग्रसने की चेष्टा किया तो इस तरह से सोच रहे बक का वध करने वाला कृष्ण हम लोगों के साथ ही है। कृष्ण उस समय इन बच्चों से थोड़े दूर पीछे थे जानबूझ करके निकट में ही थे लेकिन पीछे पीछे चल रहे थे और ये सब बातें कर रहे थे भगवान इसको सुन रहे थे। भगवान सोच रहे थे कि देखो अमृषा में मृषा बुद्धि इनकी हो रही है ये सर्प है और इसको पर्वत कह रहे हैं क्या विधाता की चेष्टा है। भगवान इस तरह मनुष्य लीला कर रहे हैं वे चाहते तो तुरंत विचार बदल सकते थे। मत्तः स्मृतिर ज्ञान अपोहनम च सबको ज्ञान देते हैं दुनिया में बहिर्मुख जनों को भी वे अपने भक्तों को नहीं दे सकते थे लेकिन वे चाहते थे कि ऐसा हो तो वे थोड़ा सा पीछे चल रहे थे तो कहते आसमान किमत्र ग्रसिता निविष्टान अयम तथा चेत बकवत विनंक्षति यदि हम लोग इसके मुख में प्रवेश करेंगे और हम लोगों को ये निगलने की चेष्टा किया ना तो बकवत विनंक्षति बकासुर की तरह विनष्ट हो जाएगा। किसके द्वारा क्षणाद अनेन इति क्षण भर में नष्ट हो जाएगा किसके द्वारा इसके द्वारा ये कह रहे हैं इसके द्वारा नष्ट हो जाएगा कृष्ण के द्वारा नष्ट हो जाएगा। अद्भुत विश्वास है बच्चों को भगवान पर भगवान की प्रतिभा को वो शुरू से ही जानते जो भी इसका नुकसान करने आया वो नष्ट हो गया जैसे पूतना नष्ट हो गई सकट नष्ट हो गया और तृणावर्त कई कई नष्ट हो गए बकासुर नष्ट हो गया। अभी हाल की घटना है बकासुर की इसलिए कहते बकवद बकासुर की तरह विनंक्षति नष्ट हो जाएगा क्षणाद और वो भी देर नहीं होगी यदि हम लोगों को ग्रसने की चेष्टा किया ना तो बकारी के द्वारा क्षण भर में नष्ट कर दिया जाएगा। इति उसन मुखम विक्ष धसंतम करताल निर्जद यह कह करके अब तक कृष्ण बिल्कुल साथ में आ गए थे निकट में तो कह वे श्री कृष्ण के मुख को देख रहे थे बच्चे श्री कृष्ण के मुख को कमनीय कह रहे सुखदेव गोस्वामी उसन मुखम कमनीय मुखम परम सुंदरम मुखम भगवान के परम सुंदर मुख को देखते देख रहे थे विक्षो धसंतम और हंसते हुए वे लोग कहते हैं कृष्ण देख रहे हो ये पर्वत कैसा लग रहा है ये अजगर की तरह लग रहा है ये हम लोगों को ग्रस लेगा इसमें शक्ति है ग्रसने की और वो ताली बजाने लगे जोर से और हम अब इसके मुख में घुसते हैं ये तो जानते हैं कि अजगर नहीं है लेकिन ये सोच रहे हैं कि अगर अजगर होगा ना तो अब हम इसमें प्रवेश करते तो ताली बजा रहे हैं यह देखने के लिए कि यदि सचमुच कि अजगर होगा तो हम लोगों के ताली पीटने पर आवाज़ करने पर कुछ मुख संकोचन करेगा या भागेगा या इधर उधर अंगड़ाई लेगा ये लोग सोचे लेकिन वो तो इतना ट्रेंड था कंस द्वारा कि कुछ भी ताली पीटे वो तो पर्वत जैसा ही बिल्कुल संटेड रहा कुछ भी हिला डुला नहीं कर ताड़ नहीं खूब ताली बजा रहे जय जयकार कर रहे हैं और कृष्ण का मुख देखते हुए अघासुर के पेट में चले गए। ये अद्भुत घटना हुई भगवान चाहते थे रोकना लेकिन चाह जब तक वो चाह रहे थे तब तक तो प्रविष्ट हो गए। भगवान ने बताना चाहते थे कि अरे ये पर्वत नहीं है पर्वत नहीं महासर्प है महासर्प है रुको रुको रोकना चाहते थे तब तक चले गए लेकिन श्री कृष्ण के मुख को देखते हुए गए
हंसते हुए गए वृक्ष उद्धसंतम जोर जोर से ठहाका मारकर हंसते हुए नाचते गाते हुए चले गए बछड़े तो आगे आगे जा ही रहे थे बछड़े ताली पीटने से और विदुख करके आगे चले गए और बच्चे भी गए भगवान खड़ा होकर के अब देखने लगे हाय रे मेरा सारा गोधन और मेरे सारे साथी मृत्यु के मुख में चले गए इस तरह सोचने लगे भगवान थोड़े देर के लिए लीला शक्ति ने जोग माया ने भगवान को ऐसा किया उन्हीं की स्वरूप शक्ति ने कि बिल्कुल खिन्न हो गए हाय भगवान यह दिखाते हैं कि कोई मनुष्य किस तरह कोई कार्य करना चाहता है और समय पर कार्य नहीं हो पाता है अपने हाथ से बच्चे निकल गए चले गए तो प्रश्न होता है क्या वे पहले उनको नहीं रोक सकते थे सब सर्व समर्थ हैं परंतु भगवान की लीला शक्ति उनको असमर्थ बनाती है अपनी ही स्वरूप शक्ति उसने भगवान को हम ऐसा नहीं कह सकते कि वह अज्ञानी थे चाहे समय पर उनको सूझ नहीं आई ऐसा नहीं है यह भगवान की लीला है तो देख रहे थे भगवान सभी बच्चे समा गए लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति हरीश्वरी जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस तरह से भगवान का मुख देखता हुआ संसार में भी जाए तो संसार उसका अनिष्ट नहीं कर सकता है अब यही मान लीजिए दिल्ली एक बहुत बड़ा माया की जगह है बहुत बड़ी माया की जगह लेकिन कोई भक्त अगर राधा पार सारथी का मुख देख करके जा रहा है तो संसार ये दिल्ली क्या करेगी उसको दिल्ली नगर क्या करेगा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा वास्तव में अपने घर में या मंदिर में ठाकुर जी का विग्रह है और ठाकुर जी को प्रणाम करके इनकी सेवा के लिए वो निकल रहा है भक्त तो दिल्ली की माया उस पर असर नहीं कर सकती है ये बच्चे भगवान का मुख देख करके अघासुर के पेट में गए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ भगवान प्रवेश किए और उनको बचाएंगे अभी ये कथा आ रही है तो जाना तो है ही किसी को ऑफिस में जाना है किसी को दुकान में जाना है परंतु अपने घर में या मंदिर में जो भगवत विग्रह है उसको प्रणाम करके आरती करके सेवा करके दर्शन करके जाना चाहिए तो ऐसे भक्त पर माया का कोई असर नहीं हो सकता प्रेम से देखना चाहिए अभी बच्चे जा रहे थे अगर कभी कभी मान लीजिए उनको शंका भी है कि अजगर है तो कृष्ण पर भरोसा है कि ठीक है यह है ना हमारी रक्षा करेगा पूरा पूरा विश्वास हमारी रक्षा करेगा क्योंकि इस पर नारायण की कृपा है इस पर देवताओं की कृपा है ब्राह्मणों का आशीर्वाद है इस तरह से यह कृष्ण हमारी रक्षा करेगा हमेशा किया है उसमें बकासुर का उदाहरण दे रहे थे कि हम लोगों की रक्षा करेगा तो किसी भक्त को इस तरह से भरोसा रखना चाहिए भगवान पर ठीक है हम तो माया में हैं ही अनेक कमियां हैं अनेक दोष हैं लेकिन कृष्ण को अपनी बाँह पकड़ा दिए जैसे माँ की बाँह को पकड़ करके या माँ बाँह पकड़े रहती है बच्चे का बच्चा नीचे चलता है पिछल जमीन पर उसके पाँव छलकते हैं वो गिरने गिरने होता है लेकिन माँ उठा लेती है बल्कि उठाकर गोद में रख लेती है इस तरह से श्री कृष्ण है परम कृपालु तो ये एक प्रेरणा मिलती है यद्यपि यह बिल्कुल सत्य लीला है ऐतिहासिक घटना है हुई है परंतु फिर भी लीलाओं द्वारा भगवान कुछ प्रेरणा देते हैं कैसे कब किया जा सकता है और व्यक्ति विपत्तियों से ग्रस्त नहीं हो सकता है और सबसे बड़ी विपत्ति क्या है विपत्ति है कृष्ण का विस्मरण हो जाना कृष्ण का भूल जाना यह विपत्ति है तो जीव अपने कर्मानुसार प्रारब्ध अनुसार अनेक कार्यों में जाता है ऐसे ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिसमें भगवत विस्मरण होने का बहुत चांस बना रहता एक व्यक्ति आज कह रहे थे हमसे कि हमारा काम ऐसा है कि इसमें झूठ बोले बिना काम ही नहीं चल सकता तो क्या किया जाए तो मैं कहा कि थोड़ा मिनिमम कीजिए कम कीजिए तो यह कहने का साहस ही नहीं हुआ कि नहीं झूठ मत बोली थोड़ा कम कीजिए कम से काम चलाइए तो ऐसे केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है वास्तव में ऐसे बहुत से कार्य हैं जो वास्तव में धर्म के भक्ति के विरुद्ध हैं पर करने पड़ते हैं
करना पड़े तो भगवान के चरण कमल में चित लगा करके प्रविशी नगर की जय सब काज हृदय राख कौशलपुर राज। भगवान को हृदय में रह करके काम करना चाहिए। जैसे उसने आशीर्वाद दिया, कौन थे जिसको मुष्टिका मारा था हनुमान जी ने, सुरसन लंकिनी, लंकिनी वो गाइड थी लंका की, तो हनुमान जी को उसने चैलेंज किया, अरे चोर कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम? तो हनुमान जी ने उसको मारा एक तमाचा जोर के और बेहोश हो गई, गिर गई। तो उसको ब्रह्मा जी ने वर दिया था कि विकल होश जो कपिके मारे तब जाने से लंका संहार। जब किसी बानर के मारने से तुम बेहोश हो जाओगी तो समझ लेना कि लंका का नाश आ गया। तो उसको ब्रह्मा जी की बात याद आ गई, तो उसने कुशी ने कहा ओ आप भगवान राम के दूत हैं, मैं धन्य हो गई आपका तमाचा खा कर मुष्टिका पीठ पर मारे थे, गाल पर नहीं मारे थे हनुमान जी। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, वो राक्षसी के भी पीठ पर मारे थे। तो उसने कहा कि जाइए आप राम का कार्य करेंगे और प्रविश नगर की जय सब काजा, फिर हृदय राख कौशलपुर राज। अयोध्या के राजा भगवान श्री राम को हृदय में रख करके आप जाइए सब कार्य कुशलता सब करेंगे कीजिए। तो लंका जैसे भीषण नगर में प्रवेश करना था हनुमान जी को, जो लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करवास, एक भी जेंटिलमैन नहीं था वह, एक भी अच्छा आदमी नहीं था, सब एक नंबर के खल वहाँ रहते थे और खलराज रावण था। तो वहाँ हनुमान जी गए लेकिन वास्तव में भगवान श्री राम को हृदय में तो धरे ही रहते हैं, बल्कि श्री राम उनके हृदय में बसे ही रहते हैं, तो सफलतापूर्वक सारा काम कर लिए। तो इस तरह से बच्चे कृष्ण का मुख देखते हुए ताली पीटते हुए अघासुर के मुख में समा गए, परंतु परम न घृणा अघासुर उनको चबाया नहीं, चूर्ण नहीं किया या अपने मुख को बंद नहीं किया, क्योंकि वह अपने मरे हुए भाई और बहन की याद कर रहा था। तो जब ये बछड़े समा गए और भगवान के सभी सखा उसके मुख में समा गए, फिर भी वह अपने मुख को बंद नहीं किया और दांत नहीं चलाया, क्यों? क्योंकि हत स्वकांत स्मरणे न रक्षसा, तो उस सोचने लगा कि हमारे भाई बकासुर का और बहन पूतना का इसने वध किया है और वो अभी बाहर है, तो कृष्ण जब मेरे मुख में आ जाएगा तो एक साथ अपने दांतों की चक्की में पीस दूंगा सबको, ये सोच है। तो ये बछड़े घुसे थे, सखा भी घुसे, लेकिन मुख उठाए रखा और तो विशाल पर गुफा के समान उसका मुख था, तो किसी को निगला नहीं, चूर्ण नहीं किया। प्रतीक्ष माणे न वकार वेशनम हत स्वकांत स्मरणे न राक्षस, वह राक्षस यद्यपि उसके लिए इन बच्चों का शरीर बहुत कोमल था, बहुत अच्छा लगता, कच कच खा जाता नया नया मांस, लेकिन फिर भी नहीं खाया क्योंकि वो कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था। वकारी वेशनम प्रतीक्ष माणे न, बकारी का वेशन, बकारी कब प्रवेश करेगा इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इस तरह के भयावह राक्षस जो भगवान का दर्शन नहीं कर रहा, खाने के लिए मुख खोला हुआ है, श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था। तानवीक्ष कृष्ण सकला भय प्रदो यनन्यनाथान स्वकरा दवच्युतान दीनांश मृत्योर जठराग्निघासन घृणार्दितो दृष्टकृतेन विस्मितः। भगवान श्री कृष्ण के मुख पर जो सहज मुस्कान थी वो तुरंत समाप्त हो गई। अपने सखाओं को इस तरह से उन्होंने देखा कि तो मृत्यु के मुख में, मृत्यु के अग्नि में ये घास की तरह हो गए, ग्रास बन गए,
घास का एक और व्यर्थ होता है, सूखी घास हो और अग्नि में पड़ जाए तो जल कर राख हो जाती है, ऐसे ही अघासुर के सामने ये बच्चे कुछ भी नहीं हैं, सब भस्म हो जाएंगे। तो घृणा देता भगवान स्नेह से बिल्कुल परिप्लुत हो गए, कृपा से परिप्लुत हो गए और देखे कि अनन्य नाथ इनका रक्षक केवल मैं हूँ और कोई नहीं है। बेचारे बच्चे निर्दोष और आनंद में खेल रहे हैं, इनका रक्षक इनका पालन करने वाला और कोई दूसरा नहीं है, मैं ही हूँ। कोई दूसरा नहीं था बड़ा गोप जो इनको रोकता कि मत प्रवेश करो, ऐसे करो ऐसे करो। भगवान ने देखा अनन्य नाथ है, इनका अन्य कोई दूसरा नाथ नहीं है, रक्षक नहीं है और ये हमारे हाथ से निकल गए। तो भगवान घृणा से, घृणा का स्नेह होता है संस्कृत में, स्नेह से बिल्कुल परिप्लुत हो गए। अर्दित, अर्दित का अर्थ होता है व्याप्त अथवा ग्रस लेना। भगवान कृपा से ग्रस लिए गए, नख से सिख तक लगा कि भगवान के श्री विग्रह में केवल कृपा ही कृपा है, बहुत स्नेह उमड़ा। और तब ये सोचने लगे, कृत्यम किमत्रा से खलस्य जीवनम नवा अमीशां च सतां विहिंसनम। भगवान सोचने लगे कि मैं क्या करूं कि यह दुष्ट जीवित न रहे, अघासुर मर जाए और बच्चों का और बछड़ों का जीवन रहे, वे न मरे, क्या करना चाहिए। अब इस विषम परिस्थिति में भगवान सोच रहे हैं, देखिए भगवान की बुद्धि क्या करें कि अघासुर मर जाए, अजगर मर जाए और अजगर के पेट में गए हुए बच्चे और बछड़े न मरे, क्या करना चाहिए। कृत्यम किमत्र खलस्य जीवनम नवा अमीशान च सताम विहिंसनम, खलस्य जीवनम न स्यात और सताम विहिंसनम न स्यात। ये सबसे अच्छे बच्चे हैं, निर्दोष परम शुद्ध साधु, तो इनका मरण न हो और खल का जीवन न रहे, ये भगवान सोचने लगे। भगवान इसी तरह से हमेशा सोचते हैं कि इस संसार में जो अच्छे लोग हैं वे जीवित रहें और बदमाश आतंकवादी सब मर जाए, ये भगवान सोचते हैं। वो सोचने लगे कि अघासुर को मरना चाहिए और इन बच्चों को कभी नहीं मरना चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूं। द्वयम कथम स्याद इति सम विचिन्त तज ज्ञात्वा विषत्तुंड मशेष दृघरी। ये दोनों कार्य कैसे होगा, अघासुर का मरण हो जाए और बच्चे जीवित रहें, उनका मरण न हो, ये कैसे होगा। तो इस बात को अशेष दृघ हरि ही, भक्तों का दुख श्री कृष्ण अशेष दृघ हैं, सब कुछ समझते हैं, भूत भविष्य वर्तमान, किस अवसर पर क्या काम करना चाहिए, कैसे बच्चे बच जाएंगे और ये मर जाएगा, ये सोचने लगे। तो सोच करके उसके मुख में स्वयं ही प्रवेश किए। तो प्रश्न होता है कि क्या भगवान उस अजगर को सुदर्शन चक्र द्वारा नहीं काट सकते थे। तुरंत संकल्प करते, उनकी बहुत सी शक्तियां हैं, देवता लोग आकर के उसको पीटना चालू करते जलती हुई लकड़ियों से, चाहे जैसे तैसे इंद्र भगवान अपना वज्र मारते, सब करते, लेकिन उसके मरने में फिर बच्चों के भी मरने का संकट था ना, या और भी कई उपाय थे, लेकिन भगवान अपने साथियों के पास चले गए। इसके द्वारा यह शिक्षा दे रहे हैं भगवान कि भक्तों के दुख को मिटाने के लिए भगवान में भगवत्ता का भाव नहीं रह जाता है उस समय, वे भी विकल हो जाते हैं। तो ऐसा लगा जैसे अपने मित्रों से मिलने वे भी चले गए, चाहे जो होगा होगा, भगवान साथ नहीं छोड़ रहे। इस लीला द्वारा भगवान शिक्षा दे रहे हैं भक्तों से, उनका बहुत स्नेह है, बहुत स्नेह है। और फिर ब्रजवासी सखाओं से तो कहना ही नहीं, तो वे भी सर्प के मुख में चले गए। तो वो तो प्रतीक्षा कर रहा था, उसका विशाल शरीर था, विशाल कंठ था, लेकिन श्री कृष्ण ठीक कंठ पर जा करके, जो नेत्र कान और मुख का मार्ग होता है, मूल मार्ग कंठ, उस कंठ पर जा करके वे खड़े हुए
और अपने शरीर को पैर को हाथ को सिर को सबको बहुत वेग से बढ़ाए बहुत चौड़ा किए बहुत वेग से और हाथ पैर सिर सब जा करके अघासुर के कंठ में जहाँ तहाँ बिल्कुल एयर टाइट पैक हो गए बिल्कुल और जितना बड़ा शरीर था उतना फैला लिए बल्कि वो अटकने जैसा हो गए उसके गले में बिल्कुल चाड़ दिए बिल्कुल टाइट अब तो छटपटाने लगा सांस लेने के लिए छटपटाने लगा भ्रमतस्त वितस्तत हाथ पैर पीटने लगा हाय हाय करने लगा अब उसके समझ में आ रहा होगा कि ब्रज की यात्रा कितनी खतरनाक मैं किया यहाँ इस नियत से नहीं आना चाहिए था हाय रे ये क्या हुआ ये तो बात सुना था कि बकासुर के मुख में जा करके अग्नि की तरह जलने लगा था और यहाँ तो बिल्कुल विशाल पर्वत की तरह हो करके उसके मुख को बंद कर दिया कंठ सड़स गए बंद और छटपटाने लगा छटपटाते उसकी आंखें बिल्कुल निकल गई आंखें निकल गईं और छटपटाने लगा हवा भीतर पेट में बंद हो गई सांस लिए बिना सांस बाहर किए बिना वो छटपटा रहा था छटपटाते तब तक हुआ कि उसका प्राणवायु ब्रह्म रंध्र छेद करके निकल गया ब्रह्म रंध्र सिर फट गया उसका उससे निकला और उसी के साथ उसकी सारी इंद्रियां भी निकल गई मतलब इंद्रियों की कार्य क्षमता जो भी थी सब समाप्त हो गई इसके बाद भगवान देखे अपने साथियों को तो वे सब श्री कृष्ण के विरह में और अघासुर के पेट की ज्वाला से मूर्छित हो गए थे बेहोश हो गए थे मरे नहीं थे लेकिन मूर्छित हो गए थे इतनी आँच थी उसके पेट में और भगवान से विरह क्षण भर के लिए हुआ इसलिए वे सब मूर्छित हो गए तो भगवान अपनी अमृत वर्षी दृष्टि से सब पर देखते करके सबको बिल्कुल ठीक कर दी और शरीर में तो कहीं खरोच लगी नहीं थी दांत गड़ाया नहीं था कोई विष का असर या कुछ भी नहीं हुआ था भगवान के अमृत वर्षी नज़र से दृष्टि से सब बिल्कुल स्वस्थ हो गए ये है भगवान की विशेषता ऐसा नहीं कि भगवान अब कोई एम्बुलेंस ले ले करके भेजे अस्पताल में इधर ये पानी चढ़ाओ बोतल चढ़ाओ ये करो वो करो ये सब मनुष्य करता है भगवान सर्व समर्थ हैं सब कुछ करने में और कोई भी भक्त कोई भी व्यक्ति यदि भगवान के सामने होता है तो उस पर भगवान की दृष्टि पड़ती है उसका कल्याण होता है उसका रोग मिटता है उसकी निर्धनता दूर होती है ये भगवान की दृष्टि में विशेषता है इसीलिए मंदिर में जाना चाहिए सदा मंदिर में भगवान का दर्शन करना चाहिए या अपने घर पर भी रखे हैं भगवान को दर्शन करना चाहिए ऐसे होता क्या है कि केवल हम ही भगवान का दर्शन नहीं करते हैं भगवान अपनी कृपा दृष्टि करते हैं कृपा दृष्टि करते हैं तो भक्त निहाल रहता है व्यक्ति हमेशा यही सोचता रहता है मैं कैसे सुखी रहूँगा मैं कैसे सदा स्वस्थ रहूँगा मेरा जस बना रहेगा सबकी एक कामना होती है इसका एक ही उपाय है कि कृष्ण के पास होना चाहिए वो देख देंगे सब ठीक हो जाएगा ऐसा होता है हम लोग महाभारत में पढ़ते हैं कि एक बार गंधारी ने कहा था दुर्योधन से तुम मेरे पास आओ मैं तुम पर देख दूंगी तुम्हारा सारा शरीर वज्र का हो जाएगा वो कभी किसी परपुरुष को नहीं देखी थी आँखों पर पट्टी बांध करके रहती थी पतिव्रता शिरोमणि स्त्री उसका बहुत बड़ा तेज था लेकिन दुर्योधन गया अपने माँ का आशीर्वाद लेने के लिए पर लज्जा के कारण वो जांघिया पहन कर गया अपने जांघ को ढक करके गया तो माता गंधारी ने उस पर देखा पट्टी खोल करके देखा उसका सारा शरीर वास्तव में वज्र का हो गया तो मेरे कहने का आशय है कि जब एक पतिव्रता स्त्री के देखने से शरीर इतना मजबूत हो सकता है तो भगवान जिस पर कृपा करके देखते हैं उसका शरीर क्यों नहीं निरोग होगा सुखी होगा उसका मंगल होगा इसीलिए मंदिर में नियम से जाना चाहिए
भगवान देखने के लिए ही तो खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, कभी सोए हुए तो उनका दर्शन नहीं होता है। जब भी हैं तो खड़े हैं, बैठे हैं। आशीर्वाद देने में भगवान सदा तत्पर रहते हैं, आशीर्वाद लेने वाले लापरवाही करते हैं। देखेंगे संडे को भी नहीं जाएंगे, अगले संडे को जाएंगे। आशीर्वाद लेने में इतनी लापरवाही क्यों है? तो भगवान का ये स्वभाव है, कृपा दृष्टि करते हैं। तो अपने कृपा दृष्टि अमृत वर्षी चितवन से सबको ठीक कर दिए और उसी ब्रह्मरंध्र से सबके साथ नहीं मुख से निकले। प्राणवायु तो ब्रह्मरंध्र से निकला लेकिन बछड़ों के साथ तदन्वितः बछड़ों के साथ और सखाओं के साथ भगवान मुख से निकले। जहाँ से प्रवेश किए थे बच्चे वहीं से निकल करके आए। अच्छा, एक लीला में छोड़ दिया, जिस समय भगवान प्रवेश किए मुख में तो उस समय बादलों के ओट में रहने वाले देवता हा हा करने लगे, हाय हाय क्या हुआ, ये क्या हुआ। यद्यपि देवता भगवत तत्व के ज्ञाता हैं लेकिन वे भी उस समय स्नेह से परिपूर्ण हो गए, हाय रे भगवान को, कृष्ण को अजगर खा गया। वे रोने लगे देवता, तो उनकी आवाज़ को सुनते ही भगवान ने कंठ में अपने को बढ़ाना चालू किया था। यह सुखशील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब देवताओं के रोने की आवाज़ भगवान ने सुना तो वे अपने को गले में बढ़ाने लगे और इसके बाद इस तरह छटपटा करके वो मर गया। तो जिस समय श्री कृष्ण अभी भीतर थे तो अघासुर के मुख से, अघासुर के देह से एक ज्योति निकली। पीना ही भोगोत्थित तत् पीना ही भोगोत्थितमद्भुतम महत् ज्योति स्वधामना ज्वलयत दिशो दस प्रतीक्ष खे वस्थितमीश निर्गमम विवेश तस्मिन मिशतान दिवौकसाम। सारे देवता इस दृश्य को देख रहे थे तो अघासुर के विशाल देह से एक अद्भुत ज्योति निकला, अद्भुत ज्योति प्रकाश। वह माया मुक्त, कर्मबंधन से मुक्त जीव हो चुका था, सब पाप से मुक्त जीव वास्तव में ज्योति स्वरूप है। जैसे भगवान में अनंत तेज है वैसे जीव में भी तेज है लेकिन माया से ढका हुआ है। अब मुक्त हो चुका था अघासुर तो उसका जीव स्वरूप अद्भुत प्रकाश दे रहा था, ज्वलयत दिशो दस, दसों दिशाओं को जगमग कर रहा था और आकाश में ऐसे रुका प्रतीक्षमाणम इस निर्गमम, भगवान के निकलने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके देह से कब भगवान निकलेंगे सखाओं के साथ ये प्रतीक्षा कर रहा था। कृष्ण को उसके देह से निकलने में थोड़ी देर हुई क्योंकि बहुत बछड़े थे और बहुत बच्चे थे और अंधकार था उसके मुख के भीतर, पेट के भीतर। तो भगवान जो हो रहे थे इधर उधर के सभी, सबको निकालना है, सबको उसके पेट से निकालना है। तो निकालने में थोड़ी देर हुई तब तक वह जीव स्वरूप ज्योति, जीव जो हिरणमय है प्रकाशमय है, वो रुका आकाश में और जब ही भगवान आए बाहर भगवान में ही वो समा गई ज्योति। इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण को वह प्राप्त कर लिया। ठीक शिशुपाल की भी यही गति हुई, शिशुपाल के देह से ज्योति निकली थी और भगवान कृष्ण के चरण में समा गए। इस तरह अघासुर मुक्त हो गया। त्वसताम सुदुर्लभम, अघासुर को वह गति मिली जो बड़े बड़े भक्तों को मिलती है। यह है भगवान के स्वरूप की विशेषता। एक जगह कहा गया है कि भगवान का विग्रह भाव होने पर कल्याण करता है। एक पत्थर की मूर्ति भी यदि भाव हो, प्रणाम किया जाए, सेवा किया जाए तो मंगल करती है, कल्याण करती है, मुक्ति देती है, प्रेम देती है मूर्ति। लेकिन भगवत विग्रह, भगवत श्री विग्रह का ये विशेषण है, विशेषता है, वह बिना भाव के ही कल्याण कर देता है। भाव हो या ना, जैसे पूतना का कोई भाव नहीं था बल्कि उल्टा भाव था, कृष्ण को मारने का भाव था, लेकिन भगवान का जो श्री विग्रह स्वरूप है वो भाव की अपेक्षा नहीं करता है।
मूर्ति भाव की अपेक्षा करती है, भाव होना चाहिए, लेकिन भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है वो भाव की अपेक्षा नहीं करता। किसी भी प्रकार से उसके संपर्क में कोई आया, चाहे स्मरण किया, चाहे कुछ किया, उसका मंगल होता ही है, उसका कल्याण होता ही है। मंगल का अर्थ है दुख दारिद्र मिट जाता है, सुख मिलता है, और कल्याण का अर्थ है कि उसे भगवान का धाम मिलता है, मुक्ति मिलती है, इसको कल्याण कहते हैं। तो यहाँ पर समझना चाहिए कि अघासुर क्यों मुक्त हो गया, ऐसे श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वयं ही इस पर अपना कमेंट देंगे। तो उस समय, जिस समय अघासुर भगवान में प्रवेश किया, अर्थात भगवान की लीला में सम्मिलित हुआ, तो उस समय देवता बहुत प्रसन्न हुए। अप्सराएं, गंधर्व, विद्याधर, ये सब कौन कौन क्या क्या सेवा कर रहे हैं, इस पर कहते हैं, ततो तिहृष्टः स्वकृतो कृतारहणम् पुष्पहे सुरा अप्सरसश्च नर्तनहि गीतहे सुगावाद्य धराश्च वादकैः स्तवैश्च विप्राजयनि स्वनैर्गणः स्वकृतः। देवताओं ने देखा कि श्री कृष्ण हमारा काम किए, वे नित्य मनाया करते थे कि अघासुर कब मरेगा। यद्यपि ये लोग अमृत पिए थे, मरने वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी अघासुर से बहुत डरते थे कि पता नहीं कब मार देगा, इतना बलवान दैत्य था। और मार तो दिया ही था देवताओं को, भक्तों को मारना एक दूसरा होता है। भक्तों का जो हृदय होता है वो भगवान का घर होता है, भगवान का चिंतन उनका अंतःकरण करता है, लेकिन किसी के उपद्रव से, किसी के अत्याचार से वे भगवान को भूल जाएं, तो यही है भक्तों का मरण। तो देवता लोग बहुत उद्विग्न रहते थे, भगवान का स्मरण उनको नहीं होता था, भय के मारे अघासुर उनके हृदय में प्रवेश किया था, हमेशा उसी का चिंतन होता रहता था। भगवान इंद्र ने एक बार कहा था नृसिंह भगवान के अवतार के समय कि हे नाथ, ये हमारा जो हृदय कमल है वो आपका घर है, लेकिन जब से हिरण्यकश्यपु हुआ तब से आपका तो एक मिनट स्मरण नहीं हुआ, केवल भय के कारण इसी का स्मरण होता रहता था। अब आपका स्मरण खुल करके करूँगा, अब आप हमारे हृदय में रहेंगे। अघासुर भी ऐसे ही था, पिता मृतैरप्यमरेह प्रतीक्षते, देवता लोग सदा सोचा करते थे कब मरेगा कब मरेगा, और हृदय में केवल उसी का चिंतन होता रहता था। तो इस तरह से ये बहुत घोर असुर था। तो देवताओं को बहुत प्रसन्नता हुई, देवताओं ने देखा कि भगवान ने हमारा कार्य किया अघासुर का वध करके, तो अति हृष्टा बहुत प्रसन्न हुए और भगवान की सेवा करने लगे, पूजा करने लगे अपने अपने गुणों के साथ। तो कौन कौन क्या कर रहे थे, सुरा पुष्पई, देवता लोग नंदन वन आदि के फूलों की वर्षा कर रहे थे, फूल बरसाने लगे, फूल से सेवा कर रहे थे। फूल से भी भगवान की सेवा होती है, बल्कि गीता में उन्होंने चार चीज मांगा है, उसमें तो एक पुष्प है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। एक बार एक व्यक्ति वृंदावन में आया था, भारतीय था लेकिन रहता था विदेश में, विदेश में रहते रहते विदेशी दिमाग हो गया उसका। तो वो हमसे कहता है कि एक व्यक्ति को इतना फूल देने की क्या ज़रूरत है, कि जो आता है वो कृष्ण बलराम मंदिर के गेट पर फूल खरीद करके ले जा रहा है, ले जा रहा है, इतना फूल देने की क्या ज़रूरत है उसकी। ऐसे वो बोला तो हमको कहा, इसमें आपको कोई दिक्कत होने लगी क्या, आप पैसा देते हैं। तो कहते तो आप कैसे बोल रहे हैं, मैं कैसे बोल रहा हूँ, आप पैसा देते हैं, पहनने वाला पहन रहा है, देने वाले दे रहे हैं, तो आपको बीच में क्या दिक्कत हो रही। नहीं, इतना फूल तो एक आदमी इतना फूल पहनेगा। मैं कहा कि हाँ, वो पहन करके प्रसादी देता है कि नहीं, सब लोग पहनते हैं ना, हम भी पहने हैं, उसमें फूल पहना था। और उसी जगह बात हो रही थी जहाँ वो टोकरियाँ रहती हैं फूल की, वहीं पर।
पुष्प देवता लोग भगवान को पुष्प देते विचित्र ढंग से माला गुथ करके देते यह एक सेवा है भगवान की यदि भगवान को इसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन भक्तों का भाव एक एक फूल के मणि पर रहता है तो गुथ रहे किसके लिए गुथ रहे हैं कृष्ण के लिए गुथ रहे हैं कृष्ण के लिए गुथ रहे हैं देंगे ये सब उनका उत्पन्न किया हुआ है त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय भगवान के लिए फूल उत्पन्न करना चाहिए नहीं हो तो खरीद कर देना चाहिए जैसे तैसे देना ही चाहिए देवता सेवा कर रहे हैं फूलों द्वारा क्योंकि देवताओं के लोक में अद्भुत फूल हैं जो इस पृथ्वी पर नहीं पाए जाते सुराह पुष्पय अप्सरसश्च नर्तनय अप्सराएं सेवा करने लगी भगवान की कैसे नर्तन द्वारा नृत्य करने लगी आकाश में ही देवता आकाश में रह सकते हैं उनके लिए स्टेज वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है कहीं भी वह नृत्य कर सकते हैं अप्सराएं नाचने लगी भगवान के लीलाओं का अनुकरण करके जो जो लीला के वृंदावन उसको कर कर के गा गा करके नाच रही तो अप्सराएं नाच रही भगवान के कीर्तन में नाचना एक भगवान की सेवा है और एक आजकल तो अपनी सेवा भी हो जाती है क्योंकि नाचने से ब्लड प्रेशर वगैरह सब ठीक रहता है ठीक हो जाती है तबीयत और नाचना भगवान के सामने अधम शरीर को नहीं नचाएंगे तो किसके यहाँ नचाएंगे तो अप्सराएं नाच रही थी और गीतः सुगा का अर्थ है सुष्टु गायक का गंधर्व आदि सब गीत गाने लगे ये अघासुर उद्धार की और वृंदावन विहार की लीला को गाने लगे देवताओं में शक्ति होती है तत्काल ही वो कोई चीज़ बोलते हैं तो गीत में बोलते हैं ऐसा नहीं कविता बना करके कंपोज करके उनको गाना पड़ता है ऐसा नहीं है इधर तो प्रायः जो गीत लिखते हैं उनको गाने ही नहीं आता है कोई दूसरा गाता है गीत लिखा है कोई गाता है कोई ऐसे लेकिन गंधर्ववादी तुरंत गाने लगे और वाद्य धराश्च वाद्य का और वाद्य कई जितने भी बाजा बजाने वाले थे बांसुरी बीड़ा मृदंग जितने प्रकार के बाजे थे बाजे बजाने वाले बहुत सुंदर ढंग से नृत्य और गीत के अनुसार बाजा बजाने लगे बहुत सुंदर तरीके से सेवा कर रहे हैं स्तवैश्च विप्रः और विप्र नारदादि ब्राह्मण ये सब स्तुति करने लगे वैदिक स्तुतियों से या ब्रज की लीलाओं को बोल रहे हों और जय निः सुनैर गणा और भगवान के जो जय विजय सुनंद नंद आदि पार्षद थे वे सब जय 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 शब्द बोलने लगे जय निः सुनैर जय जय शब्द बोलने लगे जब अघासुर की यह गति हुई इसको देख करके सब जय जयकार कर रहे थे भगवान कृष्ण की ये भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत प्रभाव का यहाँ पर प्रदर्शन हुआ कि अघासुर भी धौत पाप हो गया अघासुर भी शुद्ध हो गया तो फिर कौन नहीं शुद्ध हो सकता है श्री कृष्ण के संपर्क में आकर के इस पर देवताओं को बहुत खुशी हुई तदद्भुत गीत सुवाद्य तदद्भुतस्तुर तो सुवाद्य गीत का जय निश्चय नई कोत्सव सुमंगलान तो इतना जय जयकार हो रहा था बाजे बज रहे थे नृत्य हो रहा था अस्तव हो रहा था इतनी तुमुल ध्वनि हो रही थी कि ब्रह्मा जी के लोक में आवाज चली गई ब्रह्मा जी देखे अकस्मात ये क्या ध्वनि आ रही है कि कौन उत्सव हो रहा है बहुत सुंदर बाजे बज रहे थे उत्सव सूचित हो रहा था तो वे तुरंत ही हंस पर चढ़ करके और जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर आए तो पहुंच गए वृंदावन कि ब्रह्मा जी की तो अद्भुत शक्ति हो एक सेकेंड में पहुंच सकते हैं तो इधर आए तो उन्होंने देखा कि अघासुर बिल्कुल मुक्त हो गया भगवान को प्राप्त हो गया इस बात से बहुत विस्मय को प्राप्त हुए ब्रह्मा जी ने जैसा कुछ साधु कहते हैं कथा में कि ब्रह्मा जी कोटि कोटि क्लर्क लगाए थे अघासुर के पाप को लिखने के लिए
और उसके अनुसार ब्रह्मा जी ने निश्चित किया था कि इसको कोटि कोटि जन्मों तक किस किस नरक में पटका जाएगा। और जब उन्होंने देखा कि भगवान ने अघासुर को मुक्त कर दिया तो ब्रह्मा जी सोचने इतनी मेहनत बर्बाद हुई। और यह भी एक कारण था कि वो आगे चल करके भगवान के बछड़े और बत्सों को चुराएंगे, भगवान ये क्या करते हैं देखें। तो ब्रह्मा जी को एक बात से ग्लानि हुई कि इतने क्लर्क खटाए गए, खर्च हुआ, ये हुआ, इतने कंप्यूटर चलाए गए इसके पाप का लेखा जोखा रखने के लिए, और सारा भगवान ने ख़त्म कर दिया, तो बेकार हम लोगों को ड्यूटी दिए हैं किसी के पापों को देखने के लिए। विनोद में कुछ साधु इस प्रकार की बात कहा करते हैं। तो अघासुर भी मुक्त हो गया। राजन आज गरम चर्म शुष्कम वृंदावन अद्भुतम ब्रजौकशाम बहुतिथम बभूवा क्रीड गह्वरम। ब्रह्मा जी को बड़ा विस्मय हुआ अघासुर की मुक्ति से, बहुत बड़ा विस्मय हुआ। विस्मय का कारण यह है कि इस तरह तब भजन आदि की क्या महिमा रही जब ऐसे खल को, ऐसे हिंसक को वृंदावन धाम प्राप्त होगा, भगवान की लीला प्राप्त होगी, चाहे सायुज ही जो भी प्राप्त हो या ब्रह्म सायुज। अघासुर को वास्तव में ब्रह्म सायुज प्राप्त हुआ, तो फिर ये तो उचित नहीं लग रहा है। ब्रह्मा जी इस तरह विस्मित हो गए, क्या अघासुर भी मुक्त हो सकता है? लेकिन हो गया, प्रकट देखा उन्होंने, तो इसलिए उनको बड़ा विस्मय हुआ। तो अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, अघासुर का वो अजगर का चाम, शरीर में तो केवल चाम ही होता है, तो वो चाम में सुख गया उतना ही बड़ा, विशाल पर्वत के गुफा के समान वो सुख गया और उसमें कोई दुर्गंध नहीं रहा। चाम जब सुख जाता है फिर भी उसमें गंध आती रहती है, लेकिन भगवान उसके भीतर प्रवेश किए थे इसीलिए उसमें दिव्य सुगंध रहती थी। तो बच्चों के लिए, ब्रजवासियों के लिए वो बहुत काल तक खेलने का महाबिल रहा, वो गह्वर बना हुआ था, उसमें खेलते रहते थे बच्चे। श्री कृष्ण उसमें लाखों बार प्रवेश किए, फिर बाद में खेलते रहते, लुका छिपी का खेल खेलते। धन्य हो गया अघासुर, आत्मा तो गई भगवान के लीला में और शरीर भगवान के खेलने का साधन बन गया। इस तरह वैष्णवों का शरीर भी भगवान को बहुत प्रिय होता है। जब अघासुर के शरीर में वो खेलते थे, इतना बड़ा उसका शरीर था, सूख गया था, सुगंध निकल रही थी, उसमें छिपना, खेलना, ये करना, ये भगवान ने सौभाग्य दिया अघासुर। बहुत काल तक वो खेलने का साधन रहा। अब एक और अति आश्चर्य की बात कह रहे हैं कि ब्रजौकशाम, एतत् कौमारजम कर्म हरेरात्मा ही मोक्षणम मृत्यु पौगंड के बाला दृष्टोचुर विस्मिता ब्रजे है ब्रजे। यह जो लीला हुई थी भगवान के अघासुर उद्धार की और बच्चों को बचाने की, ये पाँचवें वर्ष के प्रारंभ में हुई थी, जब श्री कृष्ण 5 वर्ष के थे, और बच्चों ने इस लीला को, इस कर्म को ब्रज में जाकर अपनी माताओं से और अन्य सबसे कहा था 6ठे वर्ष के शुरू में। एक आश्चर्य की बात, श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि 5वें वर्ष की लीला को बच्चों ने 6ठे वर्ष में जाकर के कहा। क्या क्या कहा? आत्मा ही मोक्षणम, मृत्यु आत्मा ही मोक्षणम, आत्म अहि मोक्षणम। अघासुर के उद्धार की भी बात उन्होंने कहा और अघासुर से अपने मुक्ति की भी बात कहा। मृत्यु से बचाया कृष्ण ने हम लोगों को और संसार से बचाया, कर्मबंधन से बचाया अघासुर को। बच्चे भी समझ गए थे, चारों तरफ प्रचार हो गया कि सर्प मुक्त हो गया, संसार बंधन से मुक्त हो गया कृष्ण के कारण। तो बच्चे जा जाकर कहे कि हम लोगों को अजगर ने ग्रस लिया था, ग्रस लिया था, और अघासुर जो महापापी था वो मुक्त हो गया। इस लीला को 6ठे वर्ष में जाकर के कहे,
इस पर महाराज परीक्षित प्रश्न करेंगे कि ऐसे क्यों हुआ, ब्रह्मन कालांतर कृतम तत्कालीनम कथम भवेद। एक वर्ष पहले की गई लीला को बच्चे जा कर के दूसरे साल कहे, एक वर्ष के बाद कहे, तो एक साल तक वे कहाँ थे और क्यों नहीं कहे। इसमें कोई न कोई भगवान की ही लीला है, भगवान की ही शक्ति है, हम इसको सुनना चाहते हैं। तो इसके पहले, इस प्रश्न के पहले कथा में बैठे हुए सब लोग बहुत आश्चर्यचकित थे अघासुर की मुक्ति के कारण, कथा सुनने वाले। तब श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नैतद विचित्रम मनुजार्भमायिनः परावराणाम परमस्य वेधसम अघोपि यत् स्पर्शन धौत पातकः प्रापात्म साम्यम स्ताम सुदुर्लभम। श्री कृष्ण के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि साक्षात अघ भी उनके स्पर्श से धौत पाप होकर मुक्त हो गया। श्री कृष्ण के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, श्री कृष्ण का एक सहज स्वभाव है यह। जैसे कोई व्यक्ति दीपक जला रहा हो बार बार, किरासन तेल का छोटा सा दीपक, और बुझ जा रहा हो हवा में आंधी में, और वह व्यक्ति कभी सूरज को न देखा हो लेकिन सूरज के उगते ही चारों तरफ आलोक छा जाए, प्रकाश हो जाए, तो वो आश्चर्य करने लगा, अरे बाप रे बाप, ये कैसे हुआ, सब जगह प्रकाश क्यों हो गए। क्योंकि ये सूरज का स्वभाव है, सूरज के लिए सारे जगत को आलोकित करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह श्री कृष्ण का स्वभाव है। सहज, उनका कोई नाम जप करे, उनको कोई प्रणाम करे, उनका कोई प्रसाद खाए, मन में उनका कोई स्मरण करे, तो वह शुद्ध हो करके ही रहेगा, यह श्री कृष्ण का सहज स्वभाव है। तो अपने सहज स्वभाव बस उन्होंने शुद्ध कर दिया अघासुर को। अघासुर का भाव चाहे कुछ भी हो, कोई आदमी सूरज के उगते समय अपने गमछा से, अपने पॉकेट से अंधकार बचाने की कोशिश करे, सूरज का विरोध करे, हम उगने नहीं देंगे और अंधकार को बचाएंगे, लेकिन उसके प्रयास से या उसके भाव को देख करके ऐसा नहीं होगा कि सूरज प्रकाश न दे। अघासुर पापी था, हिंसक था, बहुत बुरा अभिप्राय से ब्रज में आया था, लेकिन भगवान ये सब नहीं देखते, ये नहीं देखते हैं, उन्होंने केवल यह देखा कि अघासुर वृंदावन में आया है, बस इतना ही देखा, और उन्होंने मुक्त कर दिया उसको। ये भगवान की दृष्टि है। हम लोग सोचते हैं भगवान हम पर कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कृपा नहीं करने का प्रश्न ही नहीं है, ये मनुष्य के विषय में सोचना चाहिए। मनुष्य ऐसा होता है, आप किसी से मिलने जाते हैं तो सोचते हैं पहले जरा पता लगा लीजिए किस मूड में हैं, पता लगा लीजिए कहीं वाइफ से झगड़ा ना हो गया हो, तो इस समय दिमाग गर्म होगा, हम कुछ कह नहीं पाएंगे, ऐसा होता है। मनुष्य की चेतना क्षण क्षण में बदलती रहती है, कभी हर्षित होता है, कभी विषाद में होता है, कभी निद्रा में होता है, कभी आलस्य में, कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी कुछ में, कभी हॉस्पिटल में होता है, कभी कुछ में, कभी हॉस्पिटल में होता है, हॉस्पिटलाइज्ड होता है, इसकी इस तरह की दशाएं हैं। लेकिन भगवान नित्य आनंद घन है, आनंद से परिपूर्ण है, अनंत ऐश्वर्य है, अतः उसमें किसी जीव के प्रति अकृपा या कठोरता का भाव संभव ही नहीं है। जैसे सूर्यमंडल के भीतर अंधकार की रेखा संभव नहीं है, वैसे भगवान के हृदय में किसी जीव की उपेक्षा वे कर दें कभी संभव नहीं। अभिमुख्य मात्र से, केवल संबंधाभास से भगवान तार देते हैं। अजामिल ने तो अपने पुत्र का नाम लिया था नारायण, लेकिन भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। पूतना अस्तनों में विष लेकर के आई थी भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने केवल इतना ही देखा कि यह गोपी का वेश बनाई हुई है और मेरे पास आ रही है, चाहे जो भी भाव है इसका, लेकिन मेरे पास आ रही है, तो भगवान ने उसे नित्य माँ बना लिया अपनी लीला में। यह है भगवान का दान, चाहे वो तृणव्रत हो, चाहे कोई हो,
केवल भगवान के पास आने मात्र से भगवान ने कल्याण कर दिया। इसको कैमुत्य न्याय से श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आगे, सकृत जदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीं ददौ गतिम स एव नित्यात्म सुखानुभूत्यभिव्युदस्त मायोंतर अंतर्गतो हि किं पुनः। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अघासुर के शरीर के भीतर, पेट के भीतर साक्षात नित्य आनंद सुखानुभूति स्वरूप भगवान गए थे। सच्चिदानंद घन भगवान नख से सिख तक आत्मा है श्री कृष्ण, सच्चित आनंदमय है। वे भगवान उसके भीतर गए थे तो वह क्यों नहीं मुक्त होगा? अरे कोई भगवान के श्री विग्रह के अंग की प्रतिमा का भी कोई एक बार ध्यान करे, एक बार सकृत, यदि एक बार भगवान के मूर्ति का भी कोई ध्यान करता है तो उससे भगवती गति प्राप्त होती है, वह व्यक्ति भगवान का पार्षद बनाया जाता है मूर्ति का ध्यान करने पर। तो जब वही भगवान साक्षात जिसके हृदय में चले गए, उसके मुक्ति में क्या संदेह है? यह है भगवान के श्री विग्रह की विशेषता। भगवान के आकार में कोई पत्थर गढ़ दिया जाए और उस पत्थर का भगवान के अंग के रूप में कोई ध्यान एक बार भी किया तो उसकी सद्गति में कोई संदेह नहीं रह जाता है। फिर उस श्री विग्रह को प्रणाम करे, दर्शन करे, स्पर्श करे श्रृंगार आदि करने में और उनकी सेवा करे, उनके लिए गीत गावे, उनकी आरती करे, तो उस व्यक्ति के मुक्ति में या सद्गति में क्या संदेह है? ये श्रील सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं गंगा जी के तट पर ऋषियों की सभा में, परीक्षित महाराज मुख्य श्रोता। यहाँ भगवान के श्री विग्रह की मूर्ति की विशेषता गाई जा रही है। तो वास्तव में हम लोगों के लिए तो श्री कृष्ण वैसे सुलभ नहीं हैं जैसे अघासुर के लिए सुलभ हो गए कि हम उनको अपने गोद में ले लें या अपने मुख में ले लें, ये संभव नहीं है। परंतु श्री कृष्ण का पेंटिंग, श्री कृष्ण का चित्र या श्री कृष्ण की मूर्ति, वो तो सुलभ है। भगवान की मूर्ति इसीलिए बनाई जाती है और अर्चा विग्रह की स्थापना की जाती है कि इससे संबंध जोड़ करके कोटि कोटि जीव कृष्ण के पास चले जाएं। आप जरा शब्दों पर ध्यान दीजिए, कहते हैं सकृत, सकृत का अर्थ होता है एक बार। सकृत जदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीम ददौगति, एक बार भी भगवान के मनोमयी मूर्ति का कोई ध्यान करे, कल्पित मूर्ति का, ये भावना करके भगवान ऐसे हैं ऐसे हैं वैसे, उनका हाथ ऐसा है, पैर ऐसा है, ये है, और हृदय में यदि आ गया तो वह व्यक्ति अंत में भगवान का पार्षद बनता है, भगवती गति उसको कहते हैं। भगवान के पास आवास मिलता है, भगवान जैसा रूप मिलता है, भगवान जैसा ऐश्वर्य मिलता है, भगवान की नित्य सेवा मिलती है, यह है भागवती गति। यह प्रकृति से पार दिव्य जगत में, अलौकिक जगत में, वैकुंठ जगत में यह गति मिलती है एक बार मूर्ति का ध्यान करने से। तो उन भक्तों के विषय में क्या कहना है जो विचित्र प्रकार से भगवान का श्रृंगार करते हैं, मुकुट पहनाते हैं, माला पहनाते हैं, कुंडल पहनाते हैं, नूपुर पहनाते हैं, सुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, गीत गाते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं, भोग लगाते हैं, उनके सदगति में और मुक्ति में क्या संदेह हो सकता है? यह बिल्कुल वैज्ञानिक बात है। भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा, मूर्ति की सेवा, यह वैज्ञानिक बात है। वैज्ञानिक क्या कहेंगे इसको, ये बिल्कुल शास्त्रीय बात और बिल्कुल सत्य है। ऐसे इस जगत में बहिर्मुख लोग भगवान की मूर्ति की महिमा जानते ही नहीं, स्टैचू कह करके उपेक्षा करते हैं। लेकिन ये जो मूर्तियां हैं भगवान की जिनकी आराधना वैष्णव लोग करते हैं, ये साक्षात भगवान विराजते हैं उसमें हमारी सेवा को लेने के लिए, हमारे प्रणाम को, हमारे गीत को, हमारे भाव को, हमारे दैन्य को या प्रेम को, हमारी वस्तु को लेने के लिए भगवान मंदिर में प्रकट होते हैं, मूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं। बहुत श्रद्धा से
सेवन करना चाहिए श्री विग्रह का. तो जो गति अघासुर की हुई या पुतना की हुई या जो भक्तों की गति होती है वही गति हमको अंत में प्राप्त होगी, हम भगवान के नित्य लीला में शामिल हो सकते हैं. आचार्यों ने इसी प्रथा को चलाया है. श्रील प्रभुपाद संपूर्ण दुनिया में श्री विग्रह की स्थापना किए हैं, मंदिर बनाए हैं. ये मंदिर बनाना और बना करके भगवान की सेवा की प्रतिष्ठा करना चलाना ये बहुत उपकारी कार्य है, बहुत दुर्लभ बहुत श्रेष्ठ कार्य है. वास्तव में लाखों लाखों लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, भगवान को देख करके जाते हैं, हृदय में छाप पड़ती है कि भगवान ऐसे है. ये कीर्तन होता है और प्रसाद वितरण, भगवान का खाया हुआ उच्छिष्ट कुछ खा करके लोग जाते. श्रीमद् भागवत के द्वारा ये सब बातें बिल्कुल आलोक में आती. ऐसे कोई भावुकता नहीं है जैसे मूर्ख लोग समझते हैं, अरे ये मूर्ति पूजा, ये पूजा, वो पूजा. मूर्ति पूजा नहीं है, ये साक्षात भगवान की पूजा. शास्त्र कहता है कि भगवान का हाथ ऐसा है, पैर ऐसा है, इसका पेंटिंग बनाओ, इसका मूर्ति बनाओ और पूजा करो, तो भगवान उस मूर्ति में प्रकट होते हैं, हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं. और ऐसे जो बहिर्मुख लोग हैं, थर्ड क्लास के ब्रेन वाले, अगर वो इसकी महिमा को नहीं मानते हैं तो उनकी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है. जैसे हाथी पर चढ़ा हुआ कोई व्यक्ति जा रहा हो और चारों तरफ से 10-20 कुत्ते भी भौंकें तो घबरा कर उतरना नहीं चाहिए, वो हाथी के पास ही नहीं आ सकते हैं. हाथी पर चढ़े हुए वो सवार को क्या कर सकते हैं, जब भों भों करते रहते हैं भगवान निराकार है, ये है, वो है, मूर्ति में नहीं है, नहीं है, तो भों भों करते ही मर जाएंगे. लेकिन वास्तविकता यह है कि भगवान अपने श्री विग्रह में उतरते हैं. हमको बड़ी श्रद्धा से भगवान को प्रणाम करना चाहिए, आरती करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए और अपने सुख दुख को भगवान से व्यक्त करना चाहिए. यही भक्ति है. तो द्वारा यह शिक्षा बहुत अच्छी तरह से दी गई. हम लोग बिल्कुल सतपथ पर हैं, जो चाहिए उस पथ पर हैं. हम लोगों को इसमें श्रद्धा रखनी चाहिए. हरे कृष्ण.